हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हरियाणा पुलिस के यूपी के एंटी रोमियो दल की तर्ज पर चलाए गए ऑपरेशन दुर्गा पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार नकलची है और ऑपरेशन दुर्गा लोगों को परेशान करने की कोशिश भर है। देखिए, ये तो नकलची सरकार है। कभी ये गुजरात मॉडल को लेकर के आती है, कभी मध्य प्रदेश मॉडल लेकर आती है, कभी पंचायतों में राजस्थान मॉडल को लागू करती है। अभी उत्तर प्रदेश का ये मॉडल नया शुरू हुआ है। अगर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो पहले भी होनी चाहिए थी। ऑपरेशन दुर्गा, नाम दुर्गा रख दिया और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको परेशान करने की कोशिश है। जो लोग, कहीं भाई बहन भी बैठ सकते हैं, कहीं परिवार के और भी सदस्य हो सकते हैं, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, चाहे पुलिस की हो, चाहे आरएसएस और बीजेपी के गुंडों की हो। वहीं तंवर ने कांग्रेस विधायक ललित नागर के घर ईडी की कार्यवाही पर बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता आज भी राजनीतिक प्रतिशोध का भाव रखते हैं और मजबूती से आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए उन पर बिना सबूत झूठी कार्यवाही करते हैं। तो पहले से एक बायस्ड, मैं समझता हूं कि एक दुर्भावना का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो दिखता था और वो सरकार आने के बाद और पुख्ता हो गया है। राजनीतिक प्रतिशोध के माध्यम से जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग मजबूती से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, आज प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मैं समझता हूं कि उसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये बौखलाहट है और इस तरीके से फर्जी केस बनाने की कोशिश है। अशोक तंवर फरीदाबाद में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार के दोषियों का बचकर निकलना सरकार की असंवेदनहीनता को दर्शाता है। बहुत दलितों के ऊपर अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। मिर्चपुर, बगाना, अभी सांजरवास, किस किस का नाम ले, कितने दर्जनों कांड हुए हैं और जहाँ जहाँ भी मैं समझता हूँ कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी, वो दोषी इसी तरीके से बच करके निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं संवेदनहीनता जो सरकारों की होती है वो इससे दिखाई देती है। दस्तक इंडिया की रिपोर्ट।